चलिए स्टार्ट करें पेज नंबर 77। ये बड़ा ऑनलाइन स्टोर से बात हो कौन सी है जी सर, ये होमवर्क दिया था सर, कौन कौन सा होमवर्क दिया था डन कर लिया सर? चलिए कैंडिडेट शुरू करें, कहाँ कहाँ मसला है। एक्विजिशन डेट अगर 1 जनवरी है तो कहाँ कहाँ इश्यूज, कहाँ कहाँ इश्यूज है? हाँ जी, जब आप गुडविल की वर्किंग कर रहे होंगे एक दो फिगर्स आंसर निकल रहा, जब आप गुडविल की वर्किंग कर रहे होंगे तो 9/12 होगा जहां रिटेन अर्निंग्स नहीं है। 500 + 200 × 9/12 ठीक है। तो एट एक्विजिशन का मतलब है, एट एक्विजिशन का मीनिंग है क्या आपने री एक्विजिशन पीरियड लेना है तो 9/12 कॉस्ट का दिखाना कॉस्ट का नहीं तो आई कट नहीं अभी करने क्लास तो पहला बेटा चेंज ये कहीं देखते जाइए जरा 2-3 फिगर्स। अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी सारी सेम है लेकिन बराबर 9/12 होने की वजह से गुडविल चेंज हो जाएगी और एनसी का शेयर चेंज हो जाएगा। गुडविल की फिगर से आगे आपने वर्किंग इसलिए नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं है एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। देन जरा इनकम स्टेटमेंट देखें, अपने सब्सिडियरी की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए 3/12 किया होगा तो इनकम स्टेटमेंट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में आपने कन्वर्ट करनी है ठीक है। कोई इशू पॉइंट नंबर 3 देखें, अगर 1 अप्रैल को एक्विजिशन है तो अभी भी एक्विजिशन है ड्यूरिंग द ईयर, पहले ये वाले बात क्लियर करें। एक्विजिशन पिछले साल में तभी होगी अगर प्रीवियस ईयर की को डेट है, तो ये करंट ईयर का स्टार्ट है, देयरफॉर करंट ईयर के सारे प्रॉफिट्स पोस्ट एक्विजिशन है। अब आप जब एनालिसिस ऑफ इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स लिख रहे होंगे तो 500 में कुछ ऐड नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की आप कंसोलिडेट करेंगे। दोनों केसेस में ओपनिंग सीआरई में सिर्फ पेरेंट का ही ब्रॉट डाउन आ रहा होगा और एनसी के सामने डैश ही आ रहा होगा ब्रॉट डाउन में। एट एक्विजिशन की फिगर आपको चेंजेस इन इक्विटी में नजर आ रही है, कोई आपकी तरफ से कंफ्यूज? एनालिसिस ऑफ इक्विटी में आपने प्री एक्विजिशन पीरियड लेना और इनकम स्टेटमेंट में आते हुए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कंसोलिडेशन करना ठीक है सर? अटेम्प्ट कर लिया ना सर? पेज नंबर 179 एक मिनट पहले कर पेज नंबर 178 पे जो लिखा है पढ़ने से पहले जरा क्वेश्चन नंबर 14 के डेटा को जरा बेस बना दो। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होना सर The pair consolidated statement of financial position as at 31st October 2000. अब सिर्फ अगर statement of financial position बनानी है तो analysis of equity की working कहां तक करेंगे? Since the acquisition till the end of last year. अगर सिर्फ बैलेंस शीट बनानी तो बैलेंस शीट डेट क्योंकि अब इनकम स्टेटमेंट से फिगर्स नहीं है। जरा फिगर्स जरा मैं सर ढूंढने चले, वी आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ शार्क एंड मीनो
सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन है, प्लांट फिक्स्चर्स, इन्वेस्टमेंट इन मिनो, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स बैंक, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऑर्डिनरी शेयर्स, के सामने हमेशा नॉमिनल अमाउंट होती है और एक रुपए का शेयर है नॉमिनल वैल्यू. अगर एक्स्ट्रा अमाउंट अबव नॉमिनल अमाउंट इशू किया हो तो प्रीमियम अलग नजर आता है. रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, पेबल्स हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट है. क्वेश्चन सिंपल सही है, एक दो बातें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है. ये रजिस्टर खोलने थे, फर्स्ट पेज छोड़ दो, बैलेंस शीट के लिए सेकंड पेज पे हाफ छोड़ दो, वर्किंग्स में स्पीड अप होना जरा. शार्क परचेज 70% ऑफ एम 4 years ago when the retained earnings of M were 50 का एक ब्रेकअप हो जाएगा सर, 20-30 प्लांट ऑफ एम, अब मिनो जो है सब्सिडी बन गई. Having a book value 50,000 was revalued to its fair value of 60,000. The revaluation was not recorded in the accounts of M. Depreciation is charged at the rate of 20%. Chalein, shuru kar. Plant debit. Revaluation surplus credit by a fair value given. Carrying amount of fair value mein difference. 10, theek hai sir. एट एक्विजिशन एंट्री भी बस लाइन दोबारा देख लें, 4 years अगो है, सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना शुरू करो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20%. हम जितने अमाउंट से बढ़ा रहे हैं बस उतने से या सारी फेयर वैल्यू से, तो 10 × 20% से पर एनम आ जाएगी. मल्टीप्लाइड बाय 4 क्यों आ गए, क्या चारों सालों की एक्युमुलेटेड फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगी. एंट्री फाइनल बोलनी है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सीआरयू और एनसी दोनों की डेबिट, एसेट सब्सिडरी का है, ऐसे सर 8 मिलियन टोटल हो जाएगा. 70% पेरेंट शेयर है, 5.6 × 2.4. ठीक है सर. तो आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ सेल, ये वर्ड्स कब आने चाहिए? जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना. आगे बढ़े सर, ठीक है, समझ आ गया. एट 31st December 2000 द इन्वेंटरीज ऑफ एम इंक्लूडेड 45,000 ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम एस एट द रेट ऑफ 25% मार्कअप. किसने किसको बेचा है? और ये स्टॉक ही पड़ा, क्या ये स्टॉक में चीजें हैं? तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है अंडरलाइन का 45 डिवाइडेड बाय इनटू 25 इज इक्वल टू 9 की फाइनल एंट्री बोलने की कोशिश करा. सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं सर, सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट. अब इसके नीचे वो लिखने क्यों नहीं, एनसी विल नॉट इफेक्टेड क्योंकि हमने एंट्री लिखी, वो प्रॉफिट लॉस में क्योंकि अलग शेयर देना, तो क्या सिर्फ पेरेंट इफेक्ट होगा? इसकी क्या वजह है? चीजें किसने बेची हैं? कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड क्यों नहीं आ रहा? एनसी विल नॉट बी इफेक्टेड लिखने की जरूरत क्यों नहीं? हमने लिख कर दिया है जो करना, हमने एंट्री में लिख दिया बस. ऊपर वाली एंट्री से एंट्री में कंपैरिजन करना जरा, ऊपर एक सीआरई वाली डेबिट की उसमें अगर एनसी ने इफेक्ट होना है तो हमने बता दी कितने से होना, नीचे अब नहीं होना तो नहीं होना.
वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लिखना पड़ता था? उसके पहले कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट होनी है, चाहे पेरेंट ने चीजें बेची है सब्सिडी ने, उसके बाद एट्रीब्यूटेबल में अगर एडजस्टमेंट होती है तो यहाँ स्ट्रेट अवे एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, क्लियर? देन सर इसमें एक पॉइंट नंबर फोर आया, मैंने पिछले क्वेश्चन में जाया करना था, कल एक क्वेश्चन कर रहा था उसमें भी एक लास्ट पॉइंट छोड़ा था, तो ये दोनों पॉइंट्स क्यों छोड़े थे ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ। इस वक्त भी इसको सर्कल लगा रहा और इसको सर्कल लगा के बस एज इट इज छोटा सा सवाल है, इसको जल्दी से रिमाइंड अप कर। पॉइंट नंबर फोर को एक सेकंड सर्कल लगा के छोड़ो। जी एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करवा, पेरेंट हैज 70% शेयर एंड देयरफॉर एनसी हैज 30% शेयर। एट एक्विजिशन अब डेट लिखना कंपल्सरी नहीं होता, अगर वो तो ठीक है वरना 4 years ago है, बस इतना एग्जाम में रखो। जी सर फिर हो जाओ। शेयर कैपिटल इज 170, शेयर प्रीमियम इज, रिटेन्ड अर्निंग इज 20, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज 190, any fair value adjustment 10, ठीक है, sum 200, fair value of net assets of parent share 140, 70% and 60, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट साथ साथ आगे ना जाइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, कोई एक फिगर तो सवाल में से देख ले सर, तो गेम शुरू हो गई है, फिगर्स आई जा रही हैं और आई जा रही हैं, बुक बंद है जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके नीचे ना कंडी अपने गिन के जरा दो लाइनें रखनी है, दो लाइनें नीचे रख के फिर डिफरेंस ला, व्हाट इज 60, ठीक है सर। नेक्स्ट वर्किंग चेंज इन इक्विटी ऑफ एस सिंस एक्विजिशन टेल बैलेंस शीट डेट, कब से कब तक, तब बैलेंस शीट डेट तक आने की वजह क्या है? जो इस साल का फैक्टर वो कहीं अलग नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, देयरफॉर बैलेंस शीट डेट तक ही आना। जी रिटेन्ड अर्निंग्स में चेंज है सिर्फ, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या नजर आ रही हैं, हैं क्या और थी क्या, 50 हैं और 20 थी, तो 30 मींस पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स में पेरेंट्स शेयर 70% एंड एनसी शेयर, जब कर ली जरा जगह रखनी है ना बीच में, ये अब क्या करें सर, अब क्या बन सकता है, बना दो बना दो। शार करो
कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। As on 31st December, October 2000, rupees in thousands. ये शुरू कर दो सर। 325 प्लस 70 एडजस्टमेंट्स देखें, प्लस 10 माइनस 8 ये बैक टोटल बता दो 390। ये सीक्वेंस में तो नहीं, इसमें क्या इसके बाद है कुछ और फिक्सचर्स में कोई एडजस्टमेंट? एज इट इज फिगर्स आ रहे हैं 200 प्लस 50। गुडविल का कोई इंपेयरमेंट लॉस? अच्छा इससे गिरेगा, इससे बोर्ड पर देखो ये 60 लिखना जरा, इसकी ब्रैकेट खुली रहने दीजिएगा और आगे भी फिलहाल 60 लिखे। करंट एसेट्स पूरे के करंट एसेट्स इन्वेंट्री 220 प्लस 70 माइनस 9 20। Receivables 145 plus 105 250। Bank balance as it is 100 आ हो जाएगी कट। करें आप लोग चलते हैं। बना दे आप लोग थोड़ी बना आगे पूरा करते हैं। शेयर कैपिटल से 700 CRE बना दो, अपनी बना ले। पहले कहां से फिर कहां से फिर कहां जाना? बैलेंस शीट में पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स वल्ला सब्सिडी के एज इट इज प्लस नहीं कर देनी, उसमें से कुछ प्री और पोस्ट का डिसीजन था वो हो गया, तो कहां जाना है एनालिसिस ऑफ इक्विटी में फिर वापस आना। वैसे आप जाने दें सब 140 वहां से ढूंढ लिए। तो 15 पेरेंट्स रिटेन्ड अर्निंग्स, आप कहां जाना एनालिसिस ऑफ इक्विटी में सिंस वाले कॉलम, सिंस वाली वर्किंग में और पेरेंट के कॉलम में प्लस 21। अब एडजस्टमेंट देखें दो हैं माइनस 5.6 माइनस 9 221.4।
डालें सर, इन दोनों का सम बन जाएगा 921.4। एनसीए की फिगर्स कहाँ से आएंगे? एनसीए फिगर में 60 प्लस 9 माइनस 2.4 और बस 66.6 67 आ गया। 60 प्लस 9 मिल गया जी, प्लस 9 माइनस 2.4। स्टॉक वाली एडजस्टमेंट में एनसीए का शेयर नहीं है, टोटल इक्विटी बन गई 988। करंट लायबिलिटीज पेबल्स आर 275 प्लस 55 बैंक बटा सिर्फ सब्सिडी में मैं ठीक है सर जी, सम कर लें सर, एनी कंफ्यूजन? ये कंप्लीट करके बता दो। जो लोग कंप्लीट कर ले पेज नंबर 177 पे रहेगा। तो लिख तो नहीं रहा प्लीज, पेज 77 पे जो क्वेश्चन था उसका 0.5 पढ़ना था। ये बड़ा कुछ एनसीए से रिलेटेड फर्दर डिस्कशन है जो कंप्लीट कर नहीं सकता हूं। लिखा हुआ है इट इज अ ग्रुप पॉलिसी, इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीए एट एक्विजिशन। किसकी किस वक्त की बात हुई है? एनसीए की एक्विजिशन डेट की बात हुई है। इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू, एनसीए की वैल्यू एट एक्विजिशन की बात हो रही है। एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडीज आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स। एनसीए को एक्विजिशन डेट पे किस तरह वैल्यू करना है? एट इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी। अपना जरा आंसर निकालना जरा कल वाला। आइडेंटिफाइबल जो आइडेंटिफाइड है, जो नहीं आइडेंटिफाइबल उनका क्या करें? जो अनआइडेंटिफाइड है उनका तो कुछ नहीं कर सकते।
आइडेंटिफिएबल नहीं नहीं सर, वो इंटेंजिबल एसेट भी आइडेंटिफिएबल होता है. आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, अब नजर तो नहीं है लेकिन है, तो इट इज आइडेंटिफिएबल, वो काम कर रहा है. अनआइडेंटिफाइड अगर है तो वो तो नहीं है. तो इसमें टेंजिबल दोनों है, टेंजिबल नहीं कह रहा, आइडेंटिफिएबल में टेंजिबल भी है इंटेंजिबल में, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है इसमें. आप ये करें दोबारा ये लाइन पढ़े और कल वाला आंसर देख के मुझे आपने ये बताना है ये किस अमाउंट की बात हुई. आपको कुछ समझ आई है किस अमाउंट की बात हुई? इट इज अ ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू एनसीई एट एक्विजिशन. एक्विजिशन डेट पे बात हो रही है सर, एक्विजिशन डेट पे एनसीई की बात हो रही है. तो क्या एक्विजिशन डेट पे एनसीई को हमने वैल्यू दी है? वैल्यू दी है सर. अब कह लिए हमने बुक पे जरा वर्ड्स पढ़ने, मैंने जरा वर्ड्स वहां यहाँ बोलने, क्या ये उन्हीं वर्ड्स की बेस पे वैल्यू आई है? 875 है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये 100% फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. वहां एक वर्ड प्रोपोर्शनेट, पेरेंट शेयर था 80%, सर ये 80% सर, तो 700 प्रोपोर्शनेट 80% शेयर ऑफ पेरेंट इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. अब आए 175 के, इट इज 20% प्रोपोर्शनेट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन. तब जरा ये वर्ड जरा ध्यान में रखे दोबारा पढ़े, क्या हमने कल ये सेंटेंस पढ़े बगैर ऐसे ही किया है? कैसे किया जरा बोल देंगे चंद लफ्ज, क्या किया ये, क्या किया हमने? एनसीआई को उसका प्रोपोर्शनेट शेयर दिया है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी. अगर ये लाइन ना भी लिखी हो तो क्या हम ऐसे ही करते जा रहे हैं? कैसे करते जा रहे हैं फिर बोलना है. सर एनसीए का हम उसका प्रोपोर्शनेट शेयर देते हैं इन द फेयर वैल्यू नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा इस तरह होता क्या, एक बात और सुन ले बाकी फिर भी आगे चलते हैं. इस तरह करने से होता क्या है, पेरेंट का कॉलम देखा रहा, ये सामने ये अपने आंसर में देखने वाला, देखो इस तरह करने से क्या गुडविल सिर्फ पेरेंट के कॉलम में आई है? ये किसकी गुडविल है जो किसने खरीदी है? क्या पेरेंट ने ये 100% गुडविल खरीद ली है? और अगर पेरेंट के एंगल से ये कैलकुलेट हुई भी है तो ये सब्सिडी की 100% गुडविल नहीं है. पेरेंट ने अगर 80% शेयर्स खरीदे तो 80% नेट एसेट्स खरीदे और देयरफॉर गुडविल भी प्रोपोर्शनेट ही आएगी. व्हाट इज 900 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच शेयर इन द नेट एसेट सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, 80%. इसको किया तो है नहीं 80% 900 को, क्या ये ऑटोमेटिकली पहले ही 80% ही होगा? उसी की वजह 80% शेयर्स खरीदे उसके पैसे दिए, तो इसको करने की जरूरत क्यों नहीं है? पेरेंट ने 80% शेयर्स खरीदे और उसके ही पैसे दिए. तो अगर आप प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स की बेस पे एनसी को मेजर करेंगे तो गुडविल सिर्फ किसकी कैलकुलेट होती है? पेरेंट की. लेकिन इज दिस गुडविल 100% गुडविल ऑफ सब्सिडी या ये भी फिर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल है? जितना पेरेंट का शेयर होगा अकॉर्डिंगली, तो डरने की अभी बात नहीं है. अब ये बात नहीं, यहां तक मेरी सुन के जरा पेज नंबर 179 पे आएंगे. वहां जो मैंने पॉइंट नंबर 4 छोड़ा अभी, ये पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? इट इज द ग्रुप्स पॉलिसी टू वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. कहां लिखा हूं मैं ही बोली जा रहा हूं, कहां सेंटेंस खत्म हो गया सर और आगे एक और सेंटेंस शुरू हो गया. सर आप दोबारा वापस है,
177 कंसंट्रेट करना पड़ना था, यहाँ दो मिनट दो, वहां किसकी फेयर वैल्यू की बात हुई? सब्सिडी के नेट एसेट्स की, सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू। दोबारा अगर ये वाला सेंटेंस पढ़ दो, या चले वो खुला रहता पेज बोर्ड से पढ़ दो, या किसकी फेयर वैल्यू की बात हो? एनसीए एट फेयर वैल्यू, ठीक है बहुत ध्यान देना सर, क्या सब्सिडी मीन्स एनसीए? वहां किसकी बात हुई? सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू में पेरेंट भी शेयर होल्डर है, एनसीए भी शेयर होल्डर है, यहाँ किसकी बस बात हुई और खत्म हो गई? एनसीए की फेयर वैल्यू, ये भी कोई चीज होती है, एक और चीज है, किसकी फेयर वैल्यू? सब्सिडी की नहीं, सिर्फ एनसीए की बात हो, तो क्या ये बात कुछ और है? और वो और है, वो क्या है? वैसे ही बोल रहे, बाकी मैं बताता हूँ क्या है। वो सब्सिडी के नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू, और यहाँ एनसीए की मार्केट वैल्यू की बात हो रही है। क्या एनसीए के पास भी कुछ शेयर्स होते हैं? जितने पेरेंट के पास नहीं है वो किसके पास होते हैं? तो क्या उन शेयर्स की भी कोई मार्केट वैल्यू होती है? किन शेयर्स? तो अगर एनसीए के शेयर्स की मार्केट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो वो है एनसीए की मार्केट वैल्यू। और वो क्या है जो क्वेश्चन नंबर 13 में? वो सब्सिडी के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू, जिसमें पेरेंट भी शेयर होल्डर है और एनसी भी शेयर होल्डर है। तो यहाँ एनसी की फेयर वैल्यू की बात हुई, वहां किसकी बात हुई है? सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू की बात हुई। अब कॉन्सेप्ट सर स्टोरी का ही है, अब पेज नंबर 178 पे जरा नहीं, ये डिफरेंस क्लियर हो गया कुछ थोड़ा सा जितना मैंने बताया। पेज नंबर 178 के दरमियान में एक हेडिंग होने मेजरमेंट ऑफ एनसी, बाकी मेरे साथ साथ रखा का अगले सवालों पिछले सवालों में जाना, बात जरा सही क्लियर करना। असल में देर आर टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनसी, एनसीए को मेजर करने के दो मेथड्स हैं, लेकिन एक चीज बार यहां लिख ही लें, एट एक्विजिशन। इस सारी जो बहस इस वक्त होगी ये एक्विजिशन डेट की, ब्रैकेट में लिखा वैसे नीचे एक्सप्लेन हुआ, किस दिन किसको मेजर करने के कितने मेथड्स हैं? एक्विजिशन डेट पे एनसीए को मेजर करने के दो मेथड्स हैं। नंबर एक, मेजर एनसीए एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू एनसीए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक बार आप थोड़ा सा वर्ड और लगा लें, जरा बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के बाद ऑफ सब्सिडी, बीच में ऑफ एस लगा लें। जितना ये सेंटेंस हमने पढ़ा पहला, जरा दोबारा कैंडी पे नंबर 177 पे प्लीज आया जा करें सर, क्या हो गया? ये बात यही सुन सुना के फाइनल करो, क्या ये वही सेंटेंस बोला गया? क्या बोला गया? ये प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है? जितनी परसेंटेज 20% 30% 15% रिस्पेक्टिवली जो भी इसके शेयर होल्डर। वापिस आ रहे पेज 178। This method is called as why? क्योंकि इस method में goodwill किसकी बस calculate होती है? Parent की। तो partial means जितना parent का share, not 100%। तो partial means अगर parent के पास 80% share है तो 80% ही goodwill calculate होगी, 70% है तो 70% होगी, accordingly होगी। किसकी 100% goodwill calculate नहीं होगी? एनसी नहीं बोल रहा, सब्सिडी की कितने परसेंट हो जाएगी? जितने पेरेंट का शेयर है, लेकिन कितने परसेंट रह जाएगी जो बिलोंगिंग टू एनसी है? तो इस मेथड का नाम पार्शियल गुडविल मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ पेरेंट का शेयर इन द गुडविल ऑफ सब्सिडी कैलकुलेट होता है। ये पूरे वर्ड सही क्लियर हो गए? किसकी गुडविल? सब्सिडी की, अप टू द एक्सटेंट ऑफ पेरेंट शेयर रिकॉर्ड होती है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है? मेजर एनसी एट मार्केट वैल्यू ऑफ एनसी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये सारी बहस किस दिन की है? एट द डेट ऑफ एक्विजिशन।
अगर आप फेयर वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू एनसीई पे मेजर करेंगे तो ये मेथड फुल गुडविल मेथड इसलिए कहलाता है क्योंकि अब आपके सामने किसकी गुडविल भी आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी इंशाल्लाह भी आ जाएगी, वो टेंशन नहीं है। आइडिया है कौन सी पैसे आज कैसे रहती तो अब यहाँ पे हम नई बात कौन सी रखने लगे कि अगर एनसी की भी आ जाए पेरेंट की भी के साथ साथ अगर एनसी की भी आप कैलकुलेट कर लें तो क्या सब्सिडी की टोटल गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी? तो ये फिर मेथड कौन सा आ जाएगा? फुल गुडविल मेथड। थोड़ी सी स्टोरी और पढ़ना बाकी फिर अभी अप्लाई करते हैं। स्टैंडर्ड आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड गिव एन एंट्री इन ऑप्शन ऑफ वैल्यूइंग एनसी एट इट्स फेयर वैल्यू। ये जो सेकंड हमने पढ़ा ये ऑप्शन है। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज एनसी इन परचेजिंग शेयर। इस कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल पढ़ने से पहले हम अप्लाई कर देंगे कि यहां जो हमने पढ़ा ऑप्शन, देयर आर टू मेथड्स टू मेजर एनसी एट एक्विजिशन डेट। अब पार्शियल गुडविल मेथड भी है और फुल गुडविल मेथड भी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा हम वही करेंगे जो करते चले जा रहे हैं, दैट इज पार्शियल गुडविल मेथड। एक सेकंड, पिछले पेज पे जाए। अगर उसने कह दी है प्रोपोर्शनेट शेयर फिर भी पार्शियल गुडविल मेथड ही है, बाय डिफॉल्ट भी वही है, कह दे फिर भी वही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में जाए, अगर वो कहे एनसी को मेजर करना है एट फेयर वैल्यू तो फिर अब ये कौन सा मेथड हो जाएगा? हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा मेथड है? क्वेश्चन नंबर 15 में जाए जरा, एक मिनट जरा ये वाली जो मैं बात अब करने लगा हूँ ये जरा ढूंढने हर सारे क्वेश्चन में। पेज नंबर 180 साथ साथ चलते जाइए जरा, इसका पेज नंबर 181 पे लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा। एल वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन डेट एट इट्स, इसकी इट्स का मतलब बाकी वो अमाउंट सेम, अमाउंट की मैं बात करता हूँ। पार्शियल गुडविल फुल गुडविल क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 182 पॉइंट नंबर 3 इट इज अ ग्रुप पॉलिसी। ऊपर इट इज अ ग्रुप पॉलिसी द वैल्यू एनसी एट फुल फेयर वैल्यू 123 रहने दे 184 सॉरी पॉइंट नंबर 8 सॉरी 184 It is a group policy to value the NC at acquisition at fair value. 185 page. Second last point, point number 4. Question number 23. RL values the NC at. क्या हमेशा partial goodwill full goodwill ही आई करेंगे? हमें ढूंढ लिया करेंगे, हम ढूंढ लिया करेंगे। ये question number 23 में बता दें क्या पता चला? Proportionate शेयर ऑफ सीएल वहां सब्सिडी का नाम है, नहीं सिर्फ प्रोपोर्शनेट निशानी रहने दे, आगे पूरा पढ़ देना यार, ध्यान दे उस तरह प्रोपोर्शनेट इस आगे भी कुछ है। ठीक है वो आपकी बात सही है। दोबारा आए पेज 184 पे आरएल वैल्यूज एनसी एट इट्स किसका एनसीआईज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सीएल्स। अब सीएल यहां ढूंढ लेते हैं ना जरा सब्सिडी का नाम, तो सब्सिडीज आइडेंटिफिकेबल है कैसे पढ़ के देख लेगा, देख लेंगे सिर्फ एक वर्ड रन इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू। अब आखिरी चीज ये रह गई है कि अगर फुल गुडविल मेथड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि एनसीए की फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू क्या? उसकी या तो कोई इंफॉर्मेशन दी होगी या कोई वैल्यू दी हुआ करेगी। कैसे? क्वेश्चन नंबर 14 पर दबाना। पॉइंट नंबर 4 इट इज द ग्रुप पॉलिसी। मुझे जरा कहीं बात पूरी करनी है, हो सकता है आपको जहन में कुछ क्वेश्चन आ गया हो लेकिन लेट मी फिनिश। इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू एनसी एट फेयर वैल्यू। ठीक है यहां तक फुल गुडविल पार्शियल गुडविल। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स जस्ट बिफोर द एक्विजिशन। ये सारी बहस एक्विजिशन डेट की, तो जस्ट बिफोर एक्विजिशन मींस जस्ट सॉर्ट ऑफ एट एक्विजिशन। व्हाट इज 1.5 पर शेयर? एनसीए भी बड़ा शेयर होल्डर्स है यार, उनके पास भी शेयर्स है, उनके शेयर्स की भी कोई मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में पॉसिबल है। तो व्हाट इज 1.5? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ एनसीए। अब अगर हमें पता चल जाए कि एनसी के पास शेयर्स कितने थे तो
तो से 1.5 से मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट हो सकता है एनसी के फेयर वैल्यू। तो अगर वो शेयर प्राइस में बता दे एट एक्विजिशन डेट, एट एक्विजिशन डेट, तो हम क्या ढूंढ सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके क्या ढूंढ सकते हैं, एनसी की फेयर वैल्यू ढूंढ सकते हैं। एक सेकंड जरा पेज नंबर 181 पर दबाना है, पॉइंट नंबर 5 पर ऊपर, पॉइंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 15, AL values non-controlling interest at acquisition at its which was, तो स्ट्रेट वे भी दे सकता है, स्ट्रेट वे अमाउंट भी मिल सकती है, और शेयर की बेस पे, शेयर्स की बेस पे, पर शेयर प्राइस की बेस पे हम मार्केट वैल्यू ऑफ एनसी शेयर्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी अभी करते रहेंगे। वापस आ रहे हैं 179 पेज पे, ये जो बात बीच में हुई है इससे फर्क क्या पड़ता है, पहले ये मेरी बात आप फाइनल कहो देना। एनालिसिस ऑफ इक्विटी में आ जाए, रजिस्टर को लिंक का मतलब, सॉरी जी जी, वो दूसरी कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन एक बात आपकी बेहतरीन है, जस्ट एक मिनट में बात पूरी करूं, आपकी बात बेहतरीन हो गई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये सवाल, अच्छा हो गई आगे बीच में, लेकिन एक मिनट पहले मेरी बात पूरी हो गई जी। अब मसला फिर वही आ गया, बाद में क्या कर रहा था और बात आ गई है सामने, एनसीए की भी गुडविल होती है, बताइए क्या बात हो रही है इस टाइम। ये सब्सिडरी की गुडविल है जिसमें पेरेंट शेयर सामने आ गया है, एनसी का गुडविल का शेयर रहता है, एनसी की गुडविल, सब्सिडरी की गुडविल का कितना हिस्सा एनसी के पास है, ये कैलकुलेट होने लगा, कौन सा हिस्सा सामने आ गया हुआ है। इधर इस वक्त जो आपके सामने नेवसा भी खड़ी है, मौसम ना की अगर ये जितना आपको इस वक्त नजर आ रहा है आपको, तो गुडविल, ये फुल गुडविल मेथड है या पार्शियल गुडविल है, 60 ढूंढने जरा वो एनसी वाला, इज इट प्रोपोर्शनेट शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये प्रोपोर्शनेट शेयर। तो हमारा आज काम बस क्या है, प्रोपोर्शनेट शेयर से फुल गुडविल मेथड तक जाना, एनसी की फेयर वैल्यू निकालो। इसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि मैंने आपको जहां स्पेस छुड़वाई थी, आज से ऑनवर्ड्स अगर कोई क्वेश्चन फुल गुडविल मेथड का होगा और एनसी ने फेयर वैल्यू पे मैयर होना होगा, अपनी फेयर वैल्यू पे मैयर होना होगा, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लिया करेंगे और उसके फौरन बाद एक लाइन और ऐड किया करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसी। बात पूरी कर लूं मैं, अपने बड़े स्पेस छुड़वाई भी, किस जगह कौन सी नई लाइन ऐड होगी। अब डिफरेंस लेने से पहले हम एक दूसरी वर्किंग भी कर लिया करेंगे, कैसे क्वेश्चन पर अप्लाई करना, अपने जरा सवाल में 1.5 रुपीस है पर शेयर प्राइस जस्ट बिफोर एक्विजिशन। अब हमें चाहिए कि एनसी के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एनसी के पास शेयर्स होते कहां हैं, सब्सिडी में या पेरेंट में, सब्सिडी का शेयर कैपिटल ढूंढना है। एक मिनट, 170, लेकिन प्लीज रिमेम्बर ये शेयर कैपिटल है। हाँ ठीक है, इस वक्त एक रुपए का ही एक शेयर है, लेकिन अगर नॉमिनल अमाउंट फर्स्ट करें 10 होती तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, फिलहाल ये इशू क्यों नहीं है, तो 170 कैलकुलेटर पे लिखे, लेकिन ये 170 अब कैलकुलेटर पे लिख के इस वक्त शेयर्स लिख रहे हैं या रुपीज लिख रहे हैं, तो अगर रुपीज लिख रहे हैं तो डिवाइड बाय 1 करें, शेयर्स आ गए कितने, आ गए उतने ही क्यों आ गए, वो 1 रुपीज की वजह से, हमें शेयर्स चाहिए। अब ये शेयर्स किसके हैं, सब्सिडी के टोटल शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स हैं, इसमें हमने क्या ढूंढना है, एनसी का हिस्सा कितना है, 30, बस कोई जादू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो 170 इंटू 30%, 51,000 शेयर्स बिलोंग्स टू एनसी। व्हाट इज द पर शेयर मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो मल्टीप्लाई 1.5,
what is the meaning of this 76 point 75.6? Fair value of NCA. Fair value of NCA means fair value of shares of NCA. और फेयर वैल्यू सिंपली मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बिलोंगिंग टू एनसीए. ये पूरी बात ये है, शॉर्ट वर्ड्स क्या रह गए, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए. तो एनसीए के पास जो शेयर्स थे उनकी मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट आपने कर ली, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी डिवाइड बाय वन की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट इसलिए क्योंकि आपने भी किया, मल्टीप्लाइड बाय एनसीए शेयर multiplied by NCA's number of shares is equal to 51,000 shares multiplied by 1.5 per share market value per share at the date of acquisition. Answer bataiye. What is 76.5? Fair value of NCA. मैंने आपसे पूछे बगैर कहाँ लिख ली है, क्या सही जगह लिख दी है? अब व्हाट इज 60? 30% प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एनसी इन सब्सिडरी, इन द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, इन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी. व्हाट इज 76.5? जो उनके पास शेयर्स है उनकी मार्केट वैल्यू इतनी थी, तो क्या उनके शेयर्स की वर्थ 76.5 है, और क्या उन्हें नेट एसेट्स में कम शेयर मिला है, क्या उन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है? व्हाट इज 16.5? किसकी सही सही किसकी किसमें? और देयरफॉर व्हाट इज टोटल गुडविल? कैसे आ सकती है? इन दोनों को सम किया जा सकता है. व्हाट इज 76.5? टोटल गुडविल ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसका एक ब्रेकअप हुआ हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल गुडविल की फिगर होती है वो एनसीए की फेयर वैल्यू के बराबर होती है. इस हद तक चीजें रिलेट करना तो नहीं शुरू हो गया, ये जस्ट बाय चांस हुआ. क्या चीज किसके बराबर क्यों हो गई है, जस्ट बाय चांस हो. प्लीज व्हाट इज 7.6 ऊपर टेबल, व्हाट इज 76.5? ये फेयर वैल्यू फैंसी. व्हाट इज 60? शेयर है, नेट एसेट्स में उसका शेयर है, सब्सिडी के नेट एसेट्स में उसका शेयर है. क्या जो उसके पास शेयर है उनकी वर्थ ज्यादा, शेयर कम मिला? शेयर कम मिला सर. व्हाट इज द डिफरेंस किसकी? व्हाट वाज दिस 60? ये पेरेंट का शेयर था, ये क्या है, एनसी का शेयर है. तो हमारी ये वर्किंग क्या कहती है कि सब्सिडरी में टोटल गुडविल कितनी है, 76.5. पर याद है कंप्लीट करना आपका जो सवाल में, एक मिनट वापस, जगह है आपके पास, बस ये शायद जी राइट साइड पे मैंने लिखा है टोटल वाला, बन जाए कितनी जगह. बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इंशाल्लाह कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं इसमें. जी ठीक है बेटा, 60 एंड दीवारों पर क्या होगा जी? जरा भाई का मेरा ख्याल एक सवाल ये था
ये नोट हो गया, कैलकुलेटर उठाइएगा ना। ये जो 60 था, 60 लिखा था, ये 60 क्या है? पेरेंट की, पेरेंट ने जो परचेज किया गुडविल है वो। तो ये 60 जो है किसकी 70% गुडविल है? सब्सिडी कहना चाहिए, पेरेंट के पास सब्सिडी की जो 70% गुडविल है उसकी वैल्यू आई है 60। तो क्या हम इसी से 100% गुडविल नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। निकाल के देख रहे हैं सर, निकाल क्यों सकते हैं? और नहीं सर, ये बात नहीं कि फिगर नहीं आई इसलिए नहीं निकाल सकते, वो तो ठीक है। असल में पेरेंट ने मेजोरिटी शेयर्स खरीदे हैं, तो पेरेंट समटाइम्स अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी दे सकता है। एनसी जरूरी नहीं है कि वो प्रीमियम भी दे, क्योंकि एनसी के पास कंट्रोल नहीं है बिजनेस का। तो पेरेंट की जो फिगर है उसमें कौन सा फैक्ट भी हो सकता है? एक्स्ट्रा प्रीमियम, समझो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑब्टेनिंग द कंट्रोल। तो ये जो मैंने बात की है, छोटा सा सेंटेंस लिखने कहीं जगह बन जाएगी इसके नीचे, वी कैन नॉट। मैंने ये बात तो मैंने अभी इसके साथ आपसे कहा, आपके सामने की, ये कोई जितनी समझ आ रही बस ठीक है, लेकिन शायद समझ आ सकती है बात। देखें वी कैन नॉट ग्रॉसअप, ग्रॉसअप ठीक है, द गुडविल ऑफ, ऐसा कहें वी कैन नॉट ग्रॉसअप द अमाउंट ऑफ गुडविल परचेज्ड बाय पेरेंट टू गेट टोटल गुडविल द अमाउंट ऑफ गुडविल परचेज बाय पेरेंट टू गेट टोटल गुडविल बिकॉज पेरेंट मे हैव पेड एक्स्ट्रा अमाउंट टू ऑब्टेन कंट्रोलिंग शेयर्स। कंट्रोल किसके पास होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट टू ऑब्टेन कंट्रोलिंग शेयर्स। ठीक है, कुछ रीजनेबली बात समझ आ गई। तो अगर आपने फुल गुडविल फाइंड आउट करनी, मींस एनसी की गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, किस जगह क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख के फेयर वैल्यू ऑफ एनसी लिख लेंगे और फिर उसी तरह डिफरेंस लेंगे। जी आपके क्या? तो वही कह रहा हूँ ना, उसकी फिक्र आ गई। तो अब हमें क्या पता इसमें कितना प्रीमियम है? तो अगर इधर से उधर नहीं, तो उधर से इधर कैसे? तो इसलिए अलग अलग वर्किंग करते हैं। जी जी, अगर फॉर एग्जांपल इधर आ सकता तो उधर क्यों नहीं आ सकता? तो आने लगे इंशाल्लाह। एक इससे पहले कि हम कोई और तरफ जाए, यानी एक जरा फेवर और करें जरा, अगर यहाँ जगह ना भी हो तो एक कंसोलिडेटेड एंट्री, वो जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, कैंसिलेशन एंट्री, वो करवानी है जरा। ये अगर आ जाए तो ठीक है, आ जाए। इसका मतलब उसने को एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बना दे। तो प्लीज, हम हमेशा कैसे वर्किंग कर लेंगे, रादर देन ग्रॉसअप, वो फिगर बराबर आए ना आए वो हमारा मसला नहीं है। हम वर्किंग कैसे कर लेंगे, कंडी ये क्लियर करें प्लीज। वर्किंग कैसे होगी सर एनसी गुडविल की? कौन सी नई चीज बीच में ऐड होगी? फेयर वैल्यू फैंसी, बस बीच में फेयर वैल्यू फैंसी आएगी जी। अब मैं कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूँ, जो शुरू के जमानों में हमने डिस्कस करना शुरू की थी। फुल कंसंट्रेशन से ना जरा बोर्ड पे देखा, ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें जो नई चीज इनकॉर्पोरेट हुई है वो उसमें है क्या?
जी शेयर कैपिटल बता दें कितना, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी, 20। ऐसा 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 आराम आराम से, रिवेल्यूशन सरप्लस खत्म हो जाता। एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 200। एनसीआई अगर हम लिखेंगे 60, तो विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल गुडविल मेथड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये एंट्री किस दिन होती है, एट एक्विजिशन। मैंने लिखा 60, व्हाट इज 60? इट इज प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ एनसी इन द फेयर वैल्यू मेथड ऑफ सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैलकुलेटर उठाएं जरा। अच्छा फिगर्स जस्ट बाय चांस सेम है, कल इस तरह से लिंक ना कर लीजिएगा इन फिगर्स को। मैंने 60 क्या लिखा, पार प्रोपोर्शनेट शेयर लिखा मैंने। तो अगर आप प्रोपोर्शनेट शेयर लिख के ये एंट्री बैलेंस करेंगे तो ये पार्शियल गुडविल मेथड है, तो सिर्फ पेरेंट ही की गुडविल कैलकुलेट होगी। चेक करें बैलेंसिंग फिगर कितनी है, किधर है। बैलेंसिंग फिगर 60 है। अगर मैंने क्या लिखा तो क्या आया, अगर मैंने प्रोपोर्शनेट शेयर लिखा तो सिर्फ पेरेंट की गुडविल, मींस पार्शियल गुडविल मेथड है ये। लेकिन अदर कंसिडरेशन से देखिए इधर, अगर बेटा फुल गुडविल मेथड होगा तो अब हम एनसी को एट एक्विजिशन प्रोपोर्शनेट शेयर पे मेजर नहीं कर रहे, अब हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। और अगर मैंने फेयर वैल्यू पे मेजर किया तो क्या ऑटोमेटिकली फुल गुडविल रिकॉर्ड हो जाया करेगी? चेक करें। वो तो उधर है, इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा, वही आना। इधर मैं अगर 60 लिखूं कंसिडरेट, इधर एनसी के सामने का 60 लिख रहा हूं, दैट मींस पार्शियल गुडविल मेथड है, और देयरफॉर सिर्फ पेरेंट की गुडविल बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगी। अगर मैं 60 की जगह फेयर वैल्यू ऑफ एनसी की बेस पे वर्किंग कर रहा हूं फुल गुडविल मेथड में, तो फिर गुडविल की फिगर टोटल गुडविल आ जाएगी। आ जाएगी सर? तो ये जो 60 में लिखा ये कौन सा मेथड है, और अगर उसकी जगह मैंने फुल गुडविल मेथड यूज किया है तो एनसी ने फिर फेयर वैल्यू क्या। इन अदर वर्ड्स, अब मेरी जरा एंट्री जो मैंने की है, पुरानी एंट्री और नई एंट्री जो मैं खास तौर पर काट के की, उसमें इसकी उसका मतलब फिर क्या है? एक एक्स्ट्रा शायद एक छोटी सी डबल एंट्री बीच में हुई है, किसकी एक्स्ट्रा गुडविल डेबिट हुई है, कितनी, और उतने से एनसी बढ़ी है कम, ये गौर से देख के बतानी चाहिए। एनसी जितने से बढ़ी है उतना ही नेट इफेक्ट इन दोनों एंट्रीज में क्या है, गुडविल डेबिट एनसी क्रेडिट कितने से और 16.5 से मुराद क्या है, शेयर ऑफ एनसी इन गुडविल ऑफ सब्सिडी। बिल्कुल ठीक हो गया, शेयर ऑफ एनसी इन गुडविल ऑफ सब्सिडी। ये करें जरा, इसका एक्सप्लेन करें पूरी जरा जगह पे करें काइंडली। इस तरह 60 आप भी लिखें, फिर क्रॉस करें, फिर रिवाइज फिगर लिखें, नेट एंट्री बनाए। क्या सब्सिडी की गुडविल इंपेयर हो सकती है, ये सवाल सही है।
अगर तो सिर्फ पेरेंट ने गुड पेरेंट वाली गुडविल आपने रिकॉर्ड की होगी तो पेरेंट तक शेयर जाएगा, और अगर सब्सिडी की गुडविल इम्पेयर हुई और फुल गुडविल मेथड यूज हुआ होगा तो पेरेंट रेंसी दोनों का फैक्टर होगा। सब्सिडी की गुडविल है असल में, सिर्फ एनसी की गुडविल शायद इम्पेयर होना मुनासिब नहीं है। तो एक सेकंड अभी आता हूँ। क्लियर सर? ये 16.5 और 16.5 ये मैंने आपको क्या एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश की है, दिस इज अ चेंज, दिस इज अ चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये शायद नई चीज है, मतलब इस बात का ये लिखे जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन निकालो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 60, मैंने 60 के साथ एक ब्रैकेट बनवाई थी, 60 प्लस 16.5 है, मेरे बात पूरी कर लेना, इस 60 की जगह हो जाएगा 76.5। ऑब्वियसली टोटल एसेट्स का सम चेंज हो जाएगा, आ जाएगा वो आ जाएगा, एक मिनट। दूसरा चेंज कहाँ आएगा? एनसी में जहाँ 60 है, इस 60 की जगह एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाएगा। अब डेफिनेटली 16.5 भी लिखा जा सकता है, लेकिन जरा एक सेकंड एनालिसिस ऑफ इक्विटी में जाएगा। अगर पार्शियल गुडविल मेथड हुआ करेगा तो मुझे आप 60 उठवाया करेंगे, और अगर फुल गुडविल मेथड हुआ करेगा तो 60 की जगह 76.5 उठवा दिया, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। डेफिनेटली मैं इसमें भी कितना इजाफा कर रहा हूँ, 16.5। ऑब्वियसली एनसी की फिगर बदल जाएगी, इक्विटी चेंज हो जाएगी, टोटल चेंज हो जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह कर, काइंडली क्रॉस की तरह इसलिए करें कि जरा फर्स्ट टाइम जरा पता चल जाए कि क्या की बजाय क्या होने लगा। रिवाइज फिगर्स काइंडली बताने कर ले नहीं कर ले आप कर। आने दें सर, आ जाएगी, अगर वो आ गई तो फिर क्या होगा, तो वो आ गया तो फिर क्या होगा, अब वही काम आ रहा है, कोई नहीं सर, आने दें। पेंशन फ्री रहे सर जी। एनसी का शेयर अब कितना हो जाएगा? 83.4 वन वन टोटल इक्विटी हो जाएगी 1004.5। ठीक है ना सर, क्या करी जा रहे हैं हम? डन सर। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डबल एंट्री जिससे ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनली चेंज हुई है? 16.5 के इफेक्ट्स बताएं कहां कहां गए। गुडविल डेबिट, एनसी क्रेडिट, नेट इफेक्ट ये। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन में एनसी का कौन सा ट्रीटमेंट करना है, और अगर ना बताया हुआ तो फिर जी नोट करके जरा कैंडी बताना स्टूडेंट्स। नहीं सर, आप पेज नंबर 178 पहले खत्म करना था।
बाकी ऊपर लिखा हुआ था, ये तो बात खत्म हो गई, फेयर वैल्यू फैंसी एट एक्विजिशन कैन बी गिवन इन क्वेश्चन और नीड्स टू बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन शेयर प्राइस, ये इंशाल्लाह वर्किंग करना हमारा काम रहेगा। इफ नथिंग इज मेंशन ढूंढना कौन सा मेथड यूज करेंगे। एक आखिरी चीज बीच में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में एक दो जगह क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे, उन क्वेश्चन मार्क को भी हटाने का वक्त आ गया। इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल की जरा डिस्कशन रिवाइज कर ले सर, क्या गुडविल इंपेयर हो सकती है? इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री पर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अभी तक इस डिस्कशन से पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? देयरफॉर हम क्या कहते थे कि एनसी विल नॉट बी अफेक्टेड। वापिस जाना है आपने, जरा पेज नंबर जाना है 170। उस जमाने में कुछ क्वेश्चन मार्क्स लग गए थे, कंसंट्रेट करना प्लीज। पहली एंट्री लिखी हुई थी सिर्फ बैलेंस शीट के एंगल से, तो कैंडली जरा अपने पावर बुक पे जरा देखिएगा, मेरे लिए जरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीछे वापस जाना। फिर अगर सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो और पार्शियल गुडविल मेथड हो तो सी आर ई डेबिट गुडविल क्रेडिट ब्रैकेट पढ़े, नो इफेक्ट ऑन एन सी आई, लेकिन आज बात पूरी करना है If it is not made at fair value, कौन इज नॉट made at fair value? तो अब मेरे ख्याल क्वेश्चन मार्क मिट सकता है। अब ये एंट्री ठीक है, इफ एनसी इज नॉट made at fair value। अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं और पार्शियल गुडविल मेथड हो तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट ब्रैकेट बनवाए नीचे, NC will not be affected if it is measured at, if it is measured at proportionate share, or in other words not measured at fair value. तो दूसरा क्वेश्चन में आप भी हट सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि if NC is measured at fair value, तो आर्य 178 पे, तो वो जमाना कौन सा था जरा बोल दें, जब गुडविल होती सिर्फ पेरेंट की। So, NC will not be affected if the NC is not measured at its fair value. लेकिन if it is measured at fair value, तो concentrate करें जरा। क्या double entry होगी अगर impairment loss हुआ है तो? Impairment loss debit, accumulated impairment loss credit. अगर सिर्फ balance sheet बना रहे हो और NC fair value पे हो, तो क्या सिर्फ CRE debit या NC भी debit? तो पहली एंट्री देखें, इफ ओनली बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एनसी सीआरई डेबिट एज वेल एज एनसी डेबिट एंड गुडविल या एक्युमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस व्हिच एवर यू वांट टू से, तो एनसी भी कब इन्वॉल्व हो जाएगी? जब फुल गुडविल मेथड है, क्योंकि फिर आप इस फुल गुडविल मेथड में एनसी की गुडविल भी आ रही हो, एनसी से रिलेटेड सब्सिडी की गुडविल भी आ रही है। अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट accumulated impairment loss credit, लेकिन उस वक्त फिर ब्रैकेट में अगर NC fair value पे है क्या लिखा करेंगे? NC will also be affected. Let's conclude. अगर full goodwill method है तो impairment loss में NC का share होगा, और अगर partial goodwill method है तो NC का share नहीं हुआ करेगा। 183 page होना, कल वाला होमवर्क कहाँ है? घर वाले रजिस्टर पे है, बल्कि पहले इस तरह चलो होमवर्क की बात हुई है, क्वेश्चन नंबर 23 पे है। क्वेश्चन नंबर 23 की रिक्वायरमेंट 1, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये रिक्वायरमेंट 1 है। फुल कंसंट्रेशन मेरी अगली बात सुनिए, there is no mention of statement of changes in equity. ऐसे ही सर, मेरी सजेशन ये है कि अगर changes in equity ना भी मांगी हो तो इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वो लिंक कर देगी आपकी इस इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस शीट के साथ। रादर देन कि आप इनकम स्टेटमेंट बना लें और चेंजेस इन इक्विटी बनाए बगैर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शुरू कर दें,
और सीआरई और एनसीई के लिए दोबारा वर्किंग सिंस एक्विजिशन वाली शुरू करते हैं, अगर चेंजेस इन इक्विटी ना भी मांगी हो और आपने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बनानी हो तो इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, लिंक हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाकर। तो वर्किंग्स में बना लें, सीधा क्लोजिंग बैलेंसेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाएंगे। मेरी बात क्लियर है? तो बहुत ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं अभी तक चेंज इन इक्विटी बनाना। तो मेरी सजेशन ये है कि रिक्वायरमेंट ना भी हो तो इवन देन वर्किंग्स में बना लें, वर्किंग्स में बना लें, लेकिन कहां तक एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग करेंगे अगर चेंज इन इक्विटी बनानी है तो इन द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। लेकिन अगर एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर हुई वो सारी बहस आपका पता। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन एक काम और करना है, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े। सेम क्वेश्चन वो कहता है, अज्यूमिंग एज इफ ओनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, चेंजेस इन इक्विटी बना लेंगे, अब कोई जरूरत नहीं है एनालिसिस ऑफ इक्विटी को कहां तक एक्सटेंड कर लेंगे सिंस एक्विजिशन टिल द बैलेंस शीट डेट। लेकिन आपको अलग अलग इसलिए करना पड़ना है, जब आप रिक्वायरमेंट वन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वर्ड या डेप्रिसिएशन वर्ड लिख के अपनी एडजस्टमेंट्स में वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ बना रहे होंगे तो फिर सीआरई एनसीई करेंगे। तो एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बात बड़े आराम से हजम हो सकती है। मैं क्या करने लगा, क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करने लगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा? प्लीज मजबूरी है, जरूरी है, आज ही या कल, इंशाल्लाह आज ही पूरी कोशिश करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 का इसकी रिक्वायरमेंट में जाओ। एक आखिरी आसान सा सवाल जरा मेरे साथ यहां कर लें। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल्सो प्रिपेयर, यहां चेंजेस इन इक्विटी है, है है है, सेकंड रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन में आ रहा है। कुछ बचपन मींस FA1 की बातें बीच में आने लगी हैं, लेट्स ट्राई कि कुछ बातें पुरानी नई हजम हो जाए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए, पेज नंबर जरा काइंडली बता दो। पेज नंबर 183। In the recent years, Halogen has acquired a reputation of buying modestly performing businesses and selling them at a substantial profit within a period of 2 to 3 years of their acquisition. ठीक है सर, businesses खरीद गए, profit पे आगे बेच देता है। On 1st July 2000, the year end कहीं से ढूंढना था? 31st March 2003 है। So 1st July 2002. Accounting has start कब हो रहा होगा? 1st April 2002. Acquisition during the year है। 9 months post acquisition period है। गिलने। 3 months कौन से? अप्रैल मई जून पोस्ट एक्विजिशन पीरियड फ्री है, 3 months फ्री है, 9 months पोस्ट है, ठीक है। ऑन 1st July 2002 Halogen acquired 80% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ एस एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 10.28 million। ऑन द सेम डेट इट ऑल्सो acquired 50% of skeptics as 10% loan notes at par. Loan notes के नीचे एक वर्ड लिखे, debentures. Companies पैसे लेने के लिए shares भी issue करती हैं और loan notes means debentures भी issue करती हैं। Is debenture a liability? Yes, sir. जो इशू करेगा, जो इशू नॉन करंट लायबिलिटी, और जो खरीदेगा उसका एसेट है, उसका एसेट है। किसने किसके कितने डिबेंचर खरीदे हैं? अच्छा, आपने जो पेरेंट वर्ड बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि आपने ऑर्डिनरी शेयर्स पढ़ ली है। अगर फर्ज करें ऑर्डिनरी शेयर्स ना हो
या और नहीं छह सर चले 40% हो और 100% बेंचेस खरीदे हो, तो पेरेंट सब्सिडी का जो रिलेशनशिप है वो ऑर्डिनरी शेयर्स की बेस पे क्यों है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, ये अवाम है जिनके हाथ में सारी पावर है, उनके पास वोटिंग पावर है, अवाम के हाथ में वोटिंग पावर है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मैंने उसकी इधर उर्दू में ट्रांसलेशन की है, आप पता नहीं किधर निकल गए। ऑर्डिनरी आम शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है, उसकी मर्जी जो मर्जी फैसले हो, वो जिधर वोट डाल दे फैसला उधर होगा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग से पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप बनता है और वह कम से कम कितनी होनी चाहिए? मोर देन 50%। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो लेस देन 50% है, डिबेंचर सारे इवन प्रेफरेंस शेयर सारे, वहां से कंट्रोल नहीं बनेगा। कंट्रोल कहां से बनता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग से बनता है। ये सबको की बातें याद आएंगी प्लीज। वोटिंग राइट सिर्फ किसके पास है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास। कंट्रोल किसके पास है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास। हाँ, बहरहाल हुआ क्या है, 80% शेयर खरीदे और क्या 50% लोन खरीदा? लोन खरीदा, डिबेंचर है, लोन है, ये सिंपली लोन है, बाकी जितने मर्जी मुश्किल वर्ड लगाते रहे। प्लीज, डिबेंचर किसने इशू किए? उसका लोन है, उसकी लायबिलिटी है। चले, और किसका एसेट है? किसका एसेट है? एल्यूजन का, पेरेंट का एसेट है ये। लेकिन क्या ये इंटर कंपनी एसेट है? तो इंशाल्लाह ये कटेगा। ये 10% बीच में क्या है? इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है। हजम ने सारी बातें, पेरेंट के एंगल से इन डिबेंचर्स की तरह एक एंट्री बोलना है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट, कैश क्रेडिट, जिससे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन कितने परसेंट खरीदे उसने? 100% नहीं खरीदे, इस केस में 50% है। द समराइज ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंपनीज आर एज फॉलोस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर एस एस की बैलेंस शीट, सॉरी एक्स की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 9/12 होती जाएगी। अगर हमें पता चल गया कि कहीं कुछ स्पेसिफिकली प्री या पोस्ट है तो क्या इशू है, वरना बी अज्यूम इवनली प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। 9/12 सब्सिडी की इनकम स्टेटमेंट को कर लेंगे, पढ़ लें एक नजर। सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ है और पेड कहाँ है? रिसीव्ड ऋण में है, पेड, अब रिसीव्ड मींस इनकम है प्रॉफिट लॉस में, और पेड मींस एक्सपेंस है प्रॉफिट लॉस में। डन। बाकी प्रॉफिट फॉर द ईयर है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, लेकिन प्लीज ये एज ऑन होती है, इसको कोई 9/12 करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है ही पोस्ट एक्विजिशन डेट की, याद रहेंगे इस तरह की बातें। जी सर, जी जी सब कुछ है, अभी पढ़ते हैं। इंटरेस्ट भी इंटर कंपनी है, कैंसिल होना चाहिए। अगर आपस का इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम से कटना चाहिए, जिस तरह डिविडेंड इनकम डिविडेंड डिक्लेयर से कटी है। बस अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आ गया है कि आप इंजॉय कर सकते हैं स्टोरी को। आपस का सब कुछ कट के आउटसाइडर्स का प्लस कर लेने का नाम कंसोलिडेशन, इतनी सी बात है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और सर अब अल्लाह का शुक्र है कुछ थोड़ा सा सीफ ऐप में भी पढ़ना है। अगर कोई फॉरेन सब्सिडरी हो, छा गए आपके ख्वाहिशात जो है, यकीनन उनका एहतराम जरूरी है, बस थोड़ा सा रह गया है कैप, ये तो ऐसे बच्चों वाली बातें हैं। फॉरन आगे जाए आपका शदीद इंतजार हो रहा, फॉरन सब्सिडीज हो सकते हैं। फॉरन इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? 11280 फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, 11280000 में एक दिया हुआ है, इसका एक ब्रेकअप नजर आ रहा है जी, कहीं ढूंढे ढूंढे 10280 के है? नहीं, ये तो शेयर्स के पैसे हैं, शेयर्स के हैं, 80% शेयर्स के हैं। जरा सेंटेंस पढ़े, जरा 1000 की एक्स्ट्रा नजर आ रहा है इधर, 1000 का एक ब्रेकअप है। तो अभी हम नहीं, अभी हमें, हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी भी, लेकिन ऊपर डिबेंचर भी खरीदे हुए, तो ठीक है एक ब्रेकअप करना, अभी नहीं पता इसका।
अभी 1080 का तो फाइनल पता है, 1000 के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा कि ये कहीं आउटसाइडर्स में है या कहीं कुछ और है, लेकिन ये क्लियर करें ये 1080 के है, ये 80% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, ये ढूंढ लेना प्लीज, 80% इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बाकी जरा स्टेटमेंट कंप्लीट करें, करंट एसेट्स के सामने फिगर्स हैं एज इट इज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हैं, शेयर कैपिटल है 1 each आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, 10% लोन नोट्स पे आ जाएगा, ये मैंने डिबेंचर वर्ड बोला ये ठीक है, लोन सर्टिफिकेट्स का नाम है डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर मीन्स जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हैं, व्हाट इज द मीनिंग डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, लोन सर्टिफिकेट्स जिसके पास है उसका एसेट है, जिसके हैं उसकी लायबिलिटी है, जिसका शेयर सर्टिफिकेट क्या चीज है, शेयर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस कि ये शेयर होल्डर है, जिसके पास है उसका एसेट है, जिसके शेयर इशू है उसका शेयर कैपिटल है, लायबिलिटी नहीं शेयर कैपिटल, इक्विटी है, बस ये फर्क है, ये डिबेंचर के पैसे हैं ये रीपेबल होते हैं और शेयर कैपिटल के पैसे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पैसे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस रीपेबल नहीं, तो देयरफॉर वो इक्विटी है अपने है, ये लोन है आउटसाइडर्स के पैसे, ठीक है, ये 2000 होने जी जरा 2000 क्या है, सब्सिडी की लायबिलिटी है डिबेंचर्स की, अगर ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाए जरा, एट पार भी कहीं वर्ड्स हैं, ये क्या एट पार, नॉमिनल वैल्यू, तो कितने पेरेंट के पास है, आधे आधे 50%, तो अभी 1000 समझ आता है जो इधर 1000 है, किधर 1000 इन्वेस्टमेंट में, ये 1000 है, ये किस 2000 से कट जाएगा, किस 2000 से कट जाएगा सब्सिडी के, लेकिन किधर कितना बच जाएगा, सब्सिडी का 1000 कौन सा वाला बच जाएगा, आउटसाइडर जो 50% आउटसाइडर के पास, तो ये 1000 उस 2000 के साथ कटने की कोशिश करेगा, कहां काट देगा, कितना कॉन्ट्रा हो जाएगा, लेकिन कौन कहां पे 1000 बच जाएगा, वो आउटसाइडर्स वाला बच जाएगा, वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आगे चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, रजिस्टर करो, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आधे को सफेद बन जाती है, वैसे ये लेंथी है इस वक्त, आप देख लें स्पेस कितनी रखते हैं, मेरा ख्याल में तो पूरा पेज रखे हैं, एहतियातन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए खुला खुला करें, 3 pages छोड़ दें, फिर एनालिसिस ऑफ इक्विटी का भी आधा समझ आइए, 5 minutes में ये कैसे काम होंगे, सफेद तो छोड़े जा सकते हैं, वर्किंग की हेडिंग तो कल बन सकती है, आज वर्किंग हेडिंग बनाए, देख लें कितने सफेद चाहिए, चेंजेस इक्विटी भी बनानी है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग भी कहीं ना कहीं होनी है, देख लें 2.5 तो मिनिमम है, देख लें ऐसे आपके सफेद ना बच जाए, वर्किंग का W लिखें, बाकी स्पेलिंग खुद ही निकल आएंगे पेन से, ये मैंने जानबूझ के इसे छुड़वाया क्योंकि ये सवाल पहले सॉल्व होना है और घर जब आप जाएंगे तो 23 बाद में आना, क्योंकि इसका नंबर 22 है, उसका नंबर 23 है, अगर आपने घर जाकर क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट ना किया तो ये बहस फजूल में जाया हो जाएगी, कंपल्सरी है उसे हर एंगल से सॉल्व करना, उसे आराम से होना है, लेकिन जब तक आप इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे ये कहां से आया कैसे आया, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकेगी, तो मेरे करने से कोई फायदा नहीं है, आप गेम आपकी तरफ शिफ्ट हो गई है, जरूर टाइम निकालना है, आज ही निकालना है सर, तो 23 कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ये वर्किंग कल वर्किंग था, मैंने कुछ कहता, हाँ एक पेज छोड़ दें कहीं और कोई ख्वाहिशात ना आ जाए हमारी Thank you.